गुल्ली बुल्ली और बाबा टनल में नीचे गिर रहे थे। थोड़ी ही देर में वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो दुनिया बहुत हरी भरी और शांत थी। वहां आसपास सिर्फ घना जंगल ही दिखाई दे रहा था। गुल्ली कहता है, बाबा हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं ना? यहां आसपास तो सिर्फ घने जंगल ही दिखाई दे रहे हैं। बुल्ली ने कहा, अगर यहां कोई जंगली जानवर आ गया तो हमारा क्या होगा? बाबा ने कहा, तुम दोनों चुप रहो, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं होगा। ये शैतानों द्वारा बनाई गई दुनिया है, यहां शैतानों के अलावा कोई भी नहीं होगा। गुल्ली बाबा की बात सुनकर बहुत डर जाता है और कहता है, बाबा शैतान तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, हम लोग उससे कैसे लड़ पाएंगे? बाबा ने कहा, अगर हमें शॉन को बचाना है तो हमें शैतानों का मुकाबला करना ही होगा। मैं शैतानों को धूल चटाने के लिए तैयार हूँ। बाबा की बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली में भी हिम्मत आ जाती है। गुल्ली बाबा से कहता है, ठीक है बाबा, चाहे जो भी हो जाए, आज तो इस शैतानों को ख़त्म करके शॉन को बचा कर ही रहेंगे। बुल्ली ने कहा, पर बाबा पहले शॉन कहाँ है वो ढूंढते हैं। बाबा अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा बातें ही कर रहे थे, तभी उन लोगों के ऊपर एक पिंजरा आकर गिर जाता है और गुल्ली बुल्ली और बाबा कैद हो जाते हैं। दो बड़े मॉन्स्टर और जोम्बी चलते हुए बाबा गुल्ली और बुल्ली के पिंजरे के पास आते हैं। एक मॉन्स्टर कहता है, वाह बाबा, आप तो खुद ही हमारी जाल में फंस गए। अब एक दूसरे को अलविदा कह दो, क्योंकि यहाँ से जिंदा वापस कोई भी नहीं जाने वाला है। बाबा मॉन्स्टर को कहते हैं, तू हमें क्या फंसाएगा मॉन्स्टर, तेरे जैसे कितने मॉन्स्टरों को हमने मिट्टी में मिला दिया है। बाबा की बात सुनकर दोनों मॉन्स्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं, बाबा तू अभी पिंजरे में बंद है और तू हमें धमकी दे रहा है। बाबा ने गुस्से से दोनों मॉन्स्टरों के सामने देखा और पिंजरे को एक जोरदार लात मार दी। बाबा की लात से पिंजरा टूट जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर और जोम्बिस के होश उड़ जाते हैं। दोनों जोम्बी ये देखकर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, पर आज बाबा किसी को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं थे। बाबा गुल्ली और बुल्ली को इशारा करते हैं और गुल्ली और बुल्ली दोनों जोम्बिसों के पीछे भागने लगते हैं। एक मॉन्स्टर बाबा को कीक मारने जाता है, पर बाबा पहले ही उसे कीक मार देते हैं। मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और जल्दी से वापस खड़ा हो जाता है और बाबा और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा वापस मॉन्स्टर को गिरा देते हैं। तभी अचानक गुल्ली और बुल्ली की पीछे से आवाज आती है, बाबा ये देखो। बाबा और दोनों मॉन्स्टर गुल्ली और बुल्ली की ओर देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों जोम्बिसों की लाश को अपने कंधे पे उठा के ला रहे थे। ये देखकर बाबा गुल्ली और बुल्ली को सैल्यूट करते हैं। गुल्ली और बुल्ली को देखकर दूसरा मॉन्स्टर समझ गया था कि ये लोग हमें भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। मॉन्स्टर अपनी जान बचाकर जल्दी से वहां से भागने लगा। गुल्ली ने बाबा को आवाज लगाई, वो देखो बाबा, वो भाग रहा है। बाबा तुरंत पीछे घूमे। बाबा ने देखा वो मॉन्स्टर वहां से भाग रहा था। बाबा ने तुरंत अपनी शक्ति से मॉन्स्टर को जलाकर मार डाला। मॉन्स्टर की वहीं पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरा मॉन्स्टर बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा जाने दो, मैंने ये सब किसी के कहने पे किया था, मैंने आपसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बाबा थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, चल ठीक है, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, पर पहले ये बता कि हमारे दोस्त शॉन को किसने किडनैप किया है और वो लोग अभी कहाँ पर है। मॉन्स्टर कहता है, बाबा ये आपको फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। शॉन को किडनैप करना तो एक बहाना था, उन लोगों को पता था अगर शॉन को किडनैप कर लेंगे तो बाबा उसे ढूंढते ढूंढते जरूर यहाँ पर आएंगे। उन लोगों का असली शिकार आप हो। बाबा कहते हैं, पर वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मॉन्स्टर ने कहा, बाबा आपने कई मॉन्स्टरों को मारा है, उन लोगों के जो दोस्त है वो आपको जिंदा छोड़ना नहीं चाहते है। बाबा कहते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि वो लोग अभी कहाँ मिलेंगे।
मॉन्स्टर ने कहा, अगर तुम यहाँ से 5 किलोमीटर सीधा चल के जाओगे तो एक बंजर गांव आएगा। उस गांव के बीच में एक बहुत बड़ा महल है, बस वहीं पर ही सारे मॉन्स्टरों का अड्डा है, और शॉन को भी शायद उन लोगों ने वहीं पर ही रखा होगा। बाबा ने कहा, ठीक है मॉन्स्टर, जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, क्योंकि इस बार बहुत सारे मॉन्स्टरों की मौत मेरे हाथ से होने वाली है। इतना कहते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा गांव की ओर जाने लगे। थोड़ी ही देर में वो लोग गांव के पास पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। उन लोगों ने देखा गांव के बीच में शॉन को लटका रखा था और ज़ॉम्बी उस गांव में पहरा दे रहे थे। उधर से थोड़ा दूर एक महल था और वहां पर जेसन, मम्मी, ग्रैंडपा और इविलन बैठकर बातें कर रहे थे। बाबा उन लोगों को देखकर समझ गए थे कि उन लोगों को जिंदा छोड़कर बाबा ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गुल्ली बुल्ली और बाबा छिपकर देख रहे थे। तभी गुल्ली को पीछे से कोई बुलाता है। गुल्ली तुरंत पीछे घूमता है। गुल्ली ने देखा वो एक ज़ॉम्बी था। गुल्ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही ज़ॉम्बी गुल्ली को एक जोरदार झापड़ मार देता है। गुल्ली बहुत दूर जाकर गिरता है। आवाज सुनकर बाबा और गुल्ली पीछे घूमते हैं। उन लोगों ने देखा वहां पर ज़ॉम्बीस आ गया था। बाबा ज़ॉम्बीस को एक जोरदार कीक मार देते हैं। ज़ॉम्बीस दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर दूसरे ज़ॉम्बीस भी बाबा की ओर दौड़ते हैं। ये देखकर बाबा अपनी शक्तियों से सुरक्षा कवच बना देते हैं। पीछे से 4 ज़ॉम्बीस बाबा को मारने जाते हैं, पर अचानक बाबा अपनी शक्तियों से वहां से गायब हो जाते हैं। ज़ॉम्बीस बाबा को ढूंढते हैं। तभी बाबा सीने में आकर एक ज़ॉम्बीस की गर्दन तोड़कर वापस गायब हो जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीस ये सब देखते रह गए। बाबा वापस दौड़ते हुए आए और दूसरे ज़ॉम्बीस को भी मारकर चले गए। दो बचे हुए ज़ॉम्बीस बहुत डर गए थे और वो दो ज़ॉम्बीस महल की ओर दौड़ने लगे। ज़ॉम्बीस को आते देख जेसन और सभी लोग खड़े हो जाते हैं, पर तभी बाबा उसकी भी गर्दन तोड़ डालते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, ये वही आदमी है जिसने मेरी ग्रैनी से मुझे अलग किया था। बाबा, आज तो तेरा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ग्रैंडपा बोल ही रहे थे। तभी बाबा अपनी शक्तियों से ग्रैंडपा को जलाकर मार डालते हैं। ग्रैंडपा की मौत देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और जेसन और मम्मी बाबा को एक जोरदार कीक मारते हैं। बाबा बहुत दूर जाकर गिरते हैं। जेसन बाबा से कहता है, बाबा अब तो तेरी मौत बहुत ही नजदीक है। इतना कहते ही मम्मी और जेसन बाबा के पास दौड़ते हुए जाते हैं और बाबा, जेसन और मम्मी की फाइट शुरू हो जाती है। जेसन बाबा को वापस गिरा देता है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली के भी होश उड़ जाते हैं। बाबा भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और बाबा जेसन और मम्मी को एक साथ जलाकर मार डालते हैं। ये सब देखकर इविल नन भी बहुत डर जाती है। इविल नन तुरंत बाबा के पास आकर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। पर बाबा इविल नन की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और बाबा इविल नन को भी जलाकर मार डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।